नमस्कार, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिव शुक्ला। पीएम किसान मानधन योजना में किसानों के निबंध कराने में देश में बिहार पहले स्थान पर है। वहीं बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की माने तो उन्होंने बताया कि बिहार के इस योजना में अब तक 1,09,473 किसानों ने निबंधन कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1,03,795 किसानों ने निबंधन कराया है, यानी कि इस योजना के तहत बिहार के लघु व सीमांत किसानों ने सबसे ज्यादा निबंधन कराया है। आपको बता दें कि जहां इस योजना में अब तक छत्तीसगढ़ में 75,000, महाराष्ट्र में 59,000, उड़ीसा में 57,000, गुजरात में 36,000, हरियाणा में 26,000 किसानों ने निबंधन कराया है, तो वहीं ऐसे भी कई राज्य हैं जिसमें किसानों का निबंधन अभी 10,000 भी नहीं पहुंचा है। आपको बता दें, किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। इस योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों को 18 से 40 साल के उम्र के बीच 55,000 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान करना होता है। वहीं केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसान द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि अपनी ओर से देगी। आपको बता दें कि ये योजना बीते 9 अगस्त से पूरे देश में लागू की गई है। यूपी के बदायूं में बीते दिन अन्य दिनों के मुकाबले भरपूर खाद मिली, हालांकि ये खाद फिर भी किसानों से काफी दूर रही। आपको बता दें कि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक भीड़ कतार लगाकर खड़ी रही, हालांकि उसके बाद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पाया। जिला प्रशासन ने मंडी समिति स्थित इफको सेवा केंद्र पर 2200 यूरिया के कट्टों की व्यवस्था की, हालांकि इसके बाद भी किसान चक्कर काटते रहे। आपको बता दें कि सुबह के वक्त एक दिन पहले टोकन ले चुके किसानों को खाद दी गई, जबकि बाकी के किसानों को परिसर से बाहर कर दिया गया। जबकि महिला किसानों के लिए बनाई गई अलग खिड़की को भी वहां आई महिलाओं के लिए नहीं खोला गया, जिससे गुस्साई महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां तैनात महिला पुलिस ने महिला किसानों को समझाकर शांत कराया। वहीं वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीतर जाकर किसान सेवा केंद्र के संचालक को महिलाओं के बारे में बताया, तब जाकर महिलाओं के लिए काउंटर खोला गया। साथ ही जिला प्रशासन ने इफको किसान सेवा केंद्र को भरपूर खाद भेजने की बात कही, हालांकि बिखरी अव्यवस्थाओं के कारण किसानों के लिए आने वाली खाद किसानों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ग्रीन टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी खबरें समय रहते मिल जाया करें। मध्य प्रदेश के बैतूल के शाहपुर सिलपट्टी गांव के आधा दर्जन ग्रामीणों ने बीते दिन उनके कब्जे की जमीन पर खड़ी फसल हटाने का आरोप प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि उनकी फसल को प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस भूमि पर किसानों द्वारा अवैध कब्जा कर फसलें बोई गई थी। वहीं प्रशासन ने गौशाला बनाने के लिए ट्रैक्टर चलाकर जमीन से फसल हटवा दी, जिससे प्रभावित किसानों का कहना है कि उक्त भूमि पर करीब 12 साल से उनका कब्जा है। वहीं इस जमीन पर ग्रामीणों ने फसल लगाई थी, हालांकि प्रशासन ने उस पर ट्रैक्टर चलाकर फसलें नष्ट करा दी। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि अधिकारियों से हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर अपनी खेती करते हैं, यहाँ गौशाला मत बनाओ, पर वो नहीं माने और हमें पुलिस थाने लेकर गए। वहीं इस घटना की जब जानकारी पूर्व विधायक मंगल सिंह को मिली तो उन्होंने किसानों के समर्थन में मामले का विरोध करते हुए SDM और SDOP से इस मामले पर चर्चा की और इसे जल्द सुलझाने की बात कही। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।